हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज के एडिटोरियल देख लेते हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल है रिवाइवल रिस्क। तो इसमें हमने जैसे सीएसओ की अभी रिसेंटली रिपोर्ट पब्लिश हुई थी क्वार्टर थ्री के लिए, कि इसका जो जीडीपी ग्रोथ डेटा है उसमें हमने एक पॉजिटिव साइन देखा है और हमारी इकोनॉमी बाउंस बैक हो रही है आफ्टर जीएसटी एंड डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस आर्टिकल में बोला है कि कुछ चीज़ें अभी भी जो है मेजर कॉज ऑफ कंसर्न बनी हुई हैं, तो उसको यहाँ पे डिस्कस किया है, तो इसको हम भी देखेंगे। प्लस ये यहाँ पे जो सेकंड आर्टिकल है हाउस रूल्स, तो इसमें जो है फिर से ब्रेग्जिट को डिस्कस किया हुआ है। लुकिंग फॉर बैलेंस एंड पावर, तो अभी रिसेंटली जो है इंडिया में रशिया, इंडिया एंड चाइना की 15th मीटिंग हुई है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि तीनों कंट्री का क्या रोल है, प्लस यहाँ पे यूएस जो है तीनों कंट्री को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे है वेदर डिजास्टर मैनेजमेंट आफ्टर ओखी। तो अभी आपने सुना होगा कि साइक्लोन ओखी आया था। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कैसे एक तरह से गवर्नमेंट ने यहाँ पे किस तरह से जो है डिजास्टर मैनेजमेंट करने में गवर्नमेंट एक तरह से फेल हो गई है यहाँ पे। ठीक है, गवर्नमेंट ने किस तरह से लापरवाही बरती है इस साइक्लोन के चलते, तो ये चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों आर्टिकल्स मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। ये वाला आर्टिकल है हेट स्पीच पे। ठीक है, तो लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट है हेट स्पीच पे, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। और ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये अगेन एनसीआरबी का डेटा है। तो इसमें फायर आर्म्स कितनी यूज़ हो रही हैं, किस स्टेट में कितनी ज़्यादा फायर आर्म यूज़ हो रही हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे दी हुई है। आगे चलते हैं। तो रिवाइवल रिस्क, तो जैसे हमने देखा कि सीएसओ ने अभी क्वार्टर थ्री जीडीपी ग्रोथ डेटा जो है वो पब्लिश किया था। ठीक है, तो अब क्या है कि ये तो अच्छा साइन है कि हमने देखा कि हमारी कंट्री की जो जीडीपी ग्रोथ है वो बढ़ रही है, ये तो पॉजिटिव साइन था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वो भी जीएसटी एंड डीमोनेटाइजेशन के बाद। ठीक है, जीएसटी एंड डीमोनेटाइजेशन का जो है क्वार्टर वन क्वार्टर टू पे बहुत मेजर इफेक्ट, इनफैक्ट लास्ट फोर क्वार्टर जो है एक मेजर इम्पैक्ट पड़ा था जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन का। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे मूडीज ने फिर हमारी सोवरिंग रेटिंग भी अपग्रेड करी, और यहाँ पे हमने देखा ए शार्प इम्प्रूवमेंट इन इंडियाज रैंक ऑन वर्ल्ड बैंक्स इंडेक्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो यहाँ पे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2018 है उसमें इंडिया की रैंक जो है 130 से 100 हो गई, यानी कि 30 पॉइंट्स अप। तो ये तो एक हमारे लिए पॉजिटिव साइन है। बट इतने सारे पॉजिटिव साइंस के बावजूद जो है हमारी इकोनॉमी में कुछ चीज़ें मेजर कॉज ऑफ कंसर्न बनी हुई हैं, जिसमें से पहला है कि वीक एक्सपोर्ट। ठीक है, स्लोअर ग्रोथ, अभी इकोनॉमी की ग्रोथ जो है फिलहाल फिर भी स्लो है, लेकिन उसके साथ जो है वीक एक्सपोर्ट जो है वो मेजर कंसर्न है। उस टाइम पे जब ग्लोबल इकोनॉमी रिकवर कर रही है तब हमारा एक्सपोर्ट वीक है, तो ये बड़ी ही आश्चर्यजनक बात है कि ऐसा कैसे हो रहा है। सेकेंड पॉइंट है प्राइसेस एट कंज्यूमर लेवल रोज एट फास्टर पेस दिस नवंबर विद इन्फ्लेशन टचिंग। देखो, इन्फ्लेशन जून में 1.5% था, अक्टूबर में 3.6% था, एंड फाइनली नवंबर में जो है 4.88% है। तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और अभी आपको याद हो तो आरबीआई ने भी, जो आरबीआई इन्फ्लेशन मेंटेन करती है, उसने भी अपनी रेंज बढ़ा के 4.3 to 4.7% कर दी है। पहले जो है ये था 4.2 to 4.6। ठीक है, तो आरबीआई ने भी अपने इन्फ्लेशन मैनेज करने की जो रेंज है उसको बढ़ा के 4.3 to 4.7 कर दिया है। उसके बाद अक्टूबर में इतने ज़्यादा फेस्टिवल्स होते हैं, बट फिर भी हमने देखा कि कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्शन, जब इतने सारे प्रोडक्शन सॉरी जब इतने ज़्यादा फेस्टिवल्स होते हैं तो लोग चीज़ें भी खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं बाजार से बहुत सारा फेस्टिवल के लिए। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्शन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ये भी एक बड़ी समस्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहा है, जबकि उस टाइम पे ज़्यादातर लोगों ने चीज़ें खरीदी हैं, खरीदते हैं और अक्सर लोग त्यौहार के टाइम पे। ठीक है, माइनिंग वॉज वर्चुअली स्टैग्नेंट। उसके बाद अर्ली 10% ड्रॉप देखा गया जीएसटी कलेक्शन, यहाँ पे बात हो रही है रेवेन्यू की। ठीक है, गवर्नमेंट जो जीएसटी कलेक्ट करती है वो रेवेन्यू ही तो है, तो यहाँ पे 10% ड्रॉप देखा गया है कंपेयर टू सेप्टेम्बर। ठीक है, जॉब क्रिएशन स्टिल टू पिक अप। उसके बाद है यहाँ पे ऑयल प्राइसेस जो है वो ब्रीच कर गया है $65 पर बैरल का मार्क
फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओवर 2 ईयर्स. ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में ये बात थी कि ऑयल एट 60 to 65 डॉलर कुड हिट कंजम्पशन, पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्दर. ठीक है, ऑल दिस वुड लीव लेस रूम फॉर सेंट्रल बैंक. अब ये सब के चलते जो है सेंट्रल बैंक के पास एक सेंट्रल बैंक जो है कोशिश करेगा कि वो लोअर रेट जो है ही रखे, लोअर इंटरेस्ट रेट ही रखे, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए नहीं, क्योंकि अगर बढ़ाएंगे तो उससे जो है इकोनॉमी पे फिर से नेगेटिव इम्पैक्ट होगा. ठीक है, और ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा. तो इसलिए जो है दिस वुड लीव लेस रूम फॉर सेंट्रल बैंक टू लोअर इंटरेस्ट रेट. आगे चलते हैं हाउस रूल. तो अभी आपने ब्रेग्जिट जो है इस टाइम पे बहुत बड़ा इशू है यूरोपियन यूनियन में, ब्रिटेन में. ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल क्या हुआ है कि जो थेरेसा मे की गवर्नमेंट है उसमें दरार पड़ गई है. ठीक है, उसमें कुछ रेबल्स ने जो है जाके ऑपोजिशंस के साथ हाथ मिला लिया है. यहाँ पे ऑपोजिशंस हैं, उनके साथ हाथ मिला लिया है. ठीक है, तो अब क्या हुआ है कि यहाँ पे मेजर इशू क्या है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो कि ब्रेग्जिट के लिए जो भी आप बिल ड्राफ्ट कर रहे हैं तो उसमें जो है जो भी लेजिस्लेशन आप बना रहे हैं उसमें आपको लेजिस्लेचर को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा. ठीक है, लेजिस्लेचर को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है एक तरह से पार्लियामेंट सोवरिग्निटी वर्सेस एग्जीक्यूटिव. ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे दी भी हुई है. तो द इशू ऑफ वेदर पार्लियामेंट सोवरिग्निटी ट्रम्प्स एग्जीक्यूटिव प्रेरोगेटिव इन डिटरमाइनिंग टर्म्स ऑफ लंडन्स एग्जिट हैज एग्जिस्टेड सिंस जून 2016 रेफरेंडम. तो ये दोनों के बीच में जो पार्लियामेंट सोवरिग्निटी है वर्सेस एग्जीक्यूटिव वाली बात है, ये 2016 में जब से रेफरेंडम हुआ था तभी से जो है ये इशू चला आ रहा है. ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके चलते जो है इन्होंने कहा है जो जो लेजिस्लेचर, जैसे एक तो जैसे हमारा लोकसभा है. ठीक है, तो लोकसभा हाउस ऑफ कॉमन. ठीक है, लोकसभा ऐसा है मतलब जो इनका हाउस ऑफ कॉमन है वो हमारा लोकसभा है, यानी कि वहाँ पे कॉमन पीपल को रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, तो इसलिए इन्होंने ये बोला है कि आप लेजिस्लेचर में जो है लेजिस्लेचर को आप कॉन्फिडेंस में लो, मतलब आप इनकी ओपिनियन को जो भी आप टर्म्स बना रहे हो ईयू से एग्जिट की, तो इनकी ओपिनियन यानी कि इनकी राय आपको लेनी चाहिए, इनकी राय को आपको कंसिडर करना पड़ेगा, इनका ओपिनियन आपको कंसिडर करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये बात यहाँ पे हो रही है. तो अभी क्या है यहाँ पे, द ब्रिटिश गवर्नमेंट सफर्ड अ मेजर डिफीट ऑन 13th December नाइट एज कंजर्वेटिव पार्टी रेबल अलाइड विद लेबर एंड अदर अपोजिशन पार्टीज टू पुश थ्रू एन अमेंडमेंट टू ब्रेग्जिट लेजिस्लेशन गोइंग थ्रू द हाउस ऑफ कॉमन. द अमेंडमेंट विल रिक्वायर MPs टू हैव अ मीनिंगफुल से. The amendment will require MPs to have a meaningful say on the terms of Britain's departure from EU. Basically, कहने का मतलब ये है कि एक की पार्लियामेंट सोवरिग्निटी को मेंटेन रखो. ठीक है, तो ये बात यहाँ पे बोली जा रही है. उसके बाद थेरेसा मे हैड वॉर्न्ड दैट सच अ रिबेलियन कुड थ्रेटन द UK's ऑर्डरली एंड स्मूथ एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन. तो अभी क्या है, द अडॉप्शन इन द हाउस ऑफ कॉमन्स ऑफ एन अमेंडमेंट टू द ड्राफ्ट बिल ऑन ब्रिटेन्स विदड्रॉल फ्रॉम यूरोपियन यूनियन हैज हैंडेड प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे अ स्टिंगिंग डिफीट. ठीक है, तो यहाँ पे एक इन्होंने जो ये इस ड्राफ्ट बिल में जो है अमेंडमेंट करना चाहते हैं, तो उस अमेंडमेंट को जैसे यहाँ पे अडॉप्ट किया है इन्होंने और उसमें जो है थेरेसा मे की डिफीट हुई है. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा भी हुआ है, British MPs hand Prime Minister May a defeat by asserting their role in Brexit decision. फिर उसके बाद ये तो थी इनकी अपनी पार्टी में जो चल रहा है. ठीक है, जो ब्रिटेन की एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में जो चल रहा है. दूसरा अगर हम इश्यूज देखें तो एक तो यहाँ पे हार्ड बॉर्डर का इशू है जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ. दूसरा यहाँ पे जो है जो EU सिटीजन्स जो UK में रह रहे हैं उनका इशू है कि पोस्ट ब्रेग्जिट उनका क्या होगा. तीसरा यहाँ पे जो इशू है वो है फाइनेंशियल लाइबिलिटी. ठीक है, तो
हार्ड बॉर्डर के चलते जो है, हार्ड बॉर्डर के चलते देखो जैसे नॉर्दर्न आइलैंड है और बाकी सारा आइलैंड है, रिपब्लिक ऑफ आइलैंड है और नॉर्दर्न आइलैंड। तो नॉर्दर्न आइलैंड जो है वो ब्रिटेन का ही, मतलब यूके का वो पार्ट है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का वो पार्ट है। तो ये बात यहाँ पे बोली गई है, जो ये बात बोली कि हमें मेनलैंड से अलग मत करो। जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे उस दिन हमने बात की थी कल कल ही हमने बात की थी रेगुलेटरी अलाइनमेंट की, तो इन्होंने बोला था कि हमें मेनलैंड से अलग मत करो, ठीक है, ये रेगुलेटरी अलाइनमेंट जो है हमें मेनलैंड से अलग करेगी। तो अब यहाँ पे ये बात हो रही है। फिर उसके बाद हालांकि थेरेसा मे ने ये बात बोली है कि हार्ड बॉर्डर को हम पूरी पूरी तरह से अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, बट हार्ड बॉर्डर अभी भी एक इशू बना हुआ है, ठीक है। ईयू सिटीजन्स ये है कि पोस्ट ब्रेग्जिट इनका क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखा है रेसिडेंसी स्टेटस ऑफ मिलियंस ऑफ यूके एंड ईयू सिटीजन्स इन अ पोस्ट ब्रेग्जिट सिनेरियो आर एट स्टेक, ठीक है। उसके बाद बिसाइड लंडन लंडन फाइनेंशियल लाइबिलिटी टू द ब्लॉक, तो इस पे भी बात उठ रही है कि हम लमसम अमाउंट नहीं देंगे यूरोपियन यूनियन को, ठीक है। नो लेस वाइटल इज द फ्यूचर ऑफ बॉर्डर सेपरेटिंग नॉर्दर्न आयरलैंड फ्रॉम इरिश रिपब्लिक। तो द इशू ऑफ वेदर, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद दे हैव हेल्ड दैट इट इज इन द फिटनेस ऑफ थिंग्स दैट लेजिस्लेचर शुड बी टेकन इन टू कॉन्फिडेंस ऑन ब्रेग्जिट। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। उसके बाद द गवर्नमेंट्स अपेरेंट लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जो लोग ज़्यादातर नाखुश हैं वो इसलिए क्योंकि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी दिख रही है उनको, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी दिख रही है ऑन फंडामेंटल क्वेश्चंस। तो इससे जो है लोग ज़्यादा एक तरह से पैनिक कर रहे हैं, कि एक तरह से ये डिमांड कर रहे हैं कि ये लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए, हमारी ओपिनियन भी जो है वो मैटर करनी चाहिए। तो ये था इस आर्टिकल में, आगे चलते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि रशिया इंडिया और चाइना की 15th मीटिंग हुई है इंडिया में, न्यू दिल्ली में, तो अब इसमें जो है ये रशिया इंडिया चाइना, ठीक है, तो सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, ठीक है, सबके ये आरआईसी मीटिंग का के लिए अपने अपने इंटरेस्ट हैं, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, रिसेंटली रशिया ने इंडिया को अर्ज किया है, मतलब एक तरह से इंडिया को ये बोला है कि आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन कर लो। प्लस इन्होंने जो अभी क्वाड मीटिंग हुई है, फोर नेशंस, कौन कौन से हैं वो फोर नेशंस, तो ये आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन से हैं ये फोर नेशन। तो क्वाड मीटिंग जो हुई है, इनको एक तरह से इन दोनों ने ही बोला है कुछ कुछ कि इस तरह से जो है क्लोज सर्किट मीटिंग नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें। तो खैर, और इन्होंने, रशिया ने बोला है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए। अब यहाँ पे जो है ये आरआईसी मीटिंग में कुछ चीज़ें हैं, जैसे रशिया क्यों इंटरेस्टेड है इस आरआईसी मीटिंग में। अब देखो आप, ये तो सबको पता है कि रशिया और चाइना के बीच में क्लोजनेस जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। इंडिया के लिए क्या है, इंडिया के लिए है कि इंडिया यूएस को भी मेंटेन करता है, बिग बैलेंस मेंटेन करता है, यूएस को भी, यूएस के साथ भी रिलेशन और रशिया के साथ भी रिलेशन रख के दो एक बैलेंस मेंटेन करता है, ठीक है। और चाइना का क्या है कि चाइना के लिए एक जो उसकी, चाइना जैसे एक एमर्जिंग पावर है तो उसकी जो ग्रोथ है, ठीक है, उस उसके लिए एक ही कंट्री है जो ऑब्स्टेकल है, वो है यूएस, ठीक है। तो इसलिए जो है वो रशिया के साथ क्लोजनेस बढ़ा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हम सेपरेट कंट्री का एक बार देख लेते हैं, इस आर्टिकल में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे रशिया के साथ है कि इसका जो इंटरनेशनल स्टेटस है दैट इज काइंड ऑफ डिक्लाइनिंग, और एक तरह से जो इनका इंटरनेशनल स्टेटस है, इन्फ्लुएंस है, वो वीक हो रहा है, ठीक है। दूसरा है कि बोथ इंडिया एंड चाइना कैन बी यूज टू काउंटरैक्ट यूएस पावर। तो अब रशिया जो है यूएस को काउंटरैक्ट करने के लिए दोनों ही चाइना और इंडिया दोनों के साथ ही हाथ मिला रहा है, ठीक है। तो टू काउंटर यूएसए, ठीक है। यूएसए ने वैसे भी बहुत कुछ सैंक्शंस वगैरह लगाए हुए हैं रशिया पे, तो
उसके चलते भी, और यूएसए के साथ वैसे भी रशिया की बनती नहीं है, ठीक है। तो रशिया के ये अपने इंटरेस्ट हैं। चाइना का क्या इंटरेस्ट है? अब यहाँ पे चाइना का इंटरेस्ट है, जैसे चाइना खुद एक एमर्जिंग पावर है, ठीक है, तो यहाँ पे है कि यूएस इसका बिगेस्ट ऑब्स्टेकल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट है कि टू चेक यूएस एक्सपेंशनिज्म, ठीक है। तो एक्सपेंशनिज्म में जैसे अभी क्वाड मीटिंग हुई, ठीक है, साउथ चाइना सी में, ऑल्दो अब यूएसए की सिचुएशन कुछ और ही है, जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो वो हर जगह से खुद को जो है हर जगह से एक जो यूएस की यूएस जैसे एक ग्लोबल लीडर है, तो अपने जो उनके उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उनके रोल है, खुद डोनाल्ड ट्रंप जो है उसमें एक वैक्यूम, एक पावर वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं वर्ल्ड में, और चाइना उसको जो है फिल कर रहा है, ठीक है। और बाकी सब चीज़ों में भी यूएस जो है बिगेस्ट ऑब्स्टेकल है चाइना की ग्रोथ में, ठीक है। तो और यहाँ पे टू चेक यूएस एक्सपेंशनिज्म, तो एक्सपेंशनिज्म जैसे यहाँ पे साउथ चाइना सी की बात हुई थी, क्वाड मीटिंग हुई थी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंडिया के क्या इंटरेस्ट हैं? इंडिया के ये इंटरेस्ट हैं कि इंडिया नहीं चाहता कि कोई यूनिपोलर वर्ल्ड बने। यूनिपोलर वर्ल्ड का मतलब कि कोई ऐसा वर्ल्ड जिसमें एक कंट्री डोमिनेट कर रही हो, जैसे कि यूएसए, तो ठीक है, तो कोई ऐसा यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं बनना चाहिए कि जिसमें सिर्फ यूएसए ही डोमिनेट कर रही है। तो इसलिए इंडिया जो है रशिया के साथ भी मेंटेन रखता है अपने बायलेटरल रिलेशन, अपने फ्रेंडली रिलेशन जो है रशिया के साथ भी मेंटेन करता है। उसके बाद यहाँ पे, क्योंकि अगर ये यूनिपोलर इस तरह से वर्ल्ड बनेगा, ठीक है, तो ये किसी भी वीक स्टेट के इंटरेस्ट में नहीं है, जैसे कि खुद इंडिया, या जैसे कि को वीक स्टेट का मतलब यहाँ पे कमज़ोर नहीं, एक तरह से आप बोल सकते हो यहाँ पे डेवलपिंग स्टेट, ठीक है, क्योंकि यूएसए तो डेवलप्ड है ना, तो यहाँ पे डेवलपिंग किसी भी ऐसे स्टेट के लिए जो है, डेवलपिंग स्टेट के लिए जो है ये ठीक नहीं है। उसके बाद यहाँ पे है कि लेकिन फिर भी देखो इतना ये सब है कि इंडिया नहीं चाहता कि कोई यूनिपोलर यूनिपोलर वर्ल्ड बने, बट फिर भी इंडिया और यूएस की जो दोस्ती है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है। उसके बाद तो यूएसए जो है एक तरह से इन तीनों कंट्री को ही अफेक्ट करता है, ठीक। अब इसमें रशिया ने बोला है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इंडिया को कि ज्वाइन कर लो आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बट यहाँ पे एक चीज़ है, क्या इंडिया के बोलने पर रशिया चाइना को अर्ज करेगा कि आप जो है डोकलाम इशू में कुछ मत बोलो, या आप साउथ चाइना सी में जो है एक्सपेंशन मत करो, आप साउथ चाइना सी को क्लेम मत करो, तो क्या इंडिया के लिए रशिया चाइना को ऐसा बोलेगा? नहीं बोलेगा कभी भी। जब बात हमारी सोवरेनिटी की है, जब सीपेक जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से पास हो रहा है, जब बात हमारी सोवरेनिटी की है, तो हम क्यों बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन करें? इंडिया का यही तो एक रीज़न है ना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन ना करने का, तो ये चीज़ तो गलत है। बट स्टिल इंडिया जो है अपने डिसीजन इंडिपेंडेंट वे में ही लेगा, और हमेशा से लेता आया है। ये सब चीज़ें इस आर्टिकल में बोली गई थी, ठीक है, इन तीनों कंट्रीज़ को लेके, प्लस ये यूएस का इन्फ्लुएंस और आरआईसी मीटिंग के बारे में बताया गया था, ठीक है। तो आगे चलते हैं। उसके बाद विदर डिजास्टर मैनेजमेंट आफ्टर ओकी, तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट की एक लापरवाही देखी गई है कि किस तरह से गवर्नमेंट ने, जैसे ये साइक्लोन आया था साइक्लोन ओकी, तो इसमें जो है गवर्नमेंट ने कैसे लापरवाही दिखाई। पहले तो इन्होंने वार्निंग ही बहुत वार्निंग देने में ही बहुत डिले किया, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि द साइक्लोन वार्निंग वॉज डिलेड, ठीक है, एंड वेन इट केम वॉज इन इफेक्टिव बिकॉज इट कुड नॉट बी कन्वेड टू थाउजेंड्स ऑफ फिशर फोक हु वर ऑलरेडी आउट एट सी, ठीक है। तो जब वार्निंग आई तो उसका कोई फायदा ही नहीं था, क्योंकि जो मछुआरे हैं वो ऑलरेडी सी में जा चुके थे फिशिंग के लिए, और जो स्पेशली जो कन्याकुमारी के फिशर्स हैं,
फिशरमैन हैं वो जो है डीप सी फिशिंग करते हैं, डीप सी फिशिंग करते हैं। कई बार उनको 10 दिन से लेकर 1 महीना भी लग जाता है वापस आने में, ठीक है। तो डीप सी फिशिंग करते हैं। अब इसमें तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि चलो वार्निंग इशू हो गई, उसके बाद जो है जब साइक्लोन भी आ गया तो यहाँ पे देखो कोई मोबिलाइजेशन या एक्शन नहीं लिया गया, ठीक है, कोई कि लोगों को एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पहुंचाया जाए तो ये भी नहीं हुआ, कोई कि कोई मोबिलाइजेशन भी नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोस्ट गार्ड प्लस इंडियन नेवी ने इतनी फुर्तीली तरह से मतलब एक रेस्क्यू नहीं किया, जो फिशरमैन जो सी में फंस गए थे उनका इतने अच्छे से रेस्क्यू नहीं किया। कोस्ट गार्ड तो 60 नॉटिकल माइल्स तक जाके रुक गए और बोल रहे हैं कि हमारा जुरिस्डिक्शन जो है बस इतना ही है। प्लस फिर इंडियन नेवी भी आगे जा सकती थी बट इतनी कुछ इनको सहायता नहीं मिली। तो यहाँ पे यही चीज़ बोलाई बोली है, द कोस्ट गार्ड टर्न्ड अ डेफ ईयर टू देयर प्रेयर्स इवन वेन द कोस्ट गार्ड रिलेक्टेंटली मूव्ड विद सम फिशरमैन ऑन बोर्ड ऑल इट डिड वॉज टू गो अप टू 60 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। इवन सो द इंडियन नेवी विद इट्स वास्ट एरे ऑफ शिप्स एयरक्राफ्ट एंड स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी शुड हैव स्टेप्ड इन इमिडिएटली, दिस टू डिड नॉट हैपन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है देखी गई कि गवर्नमेंट ने इसको अच्छे से टैकल नहीं किया है। उसके बाद यहाँ पे यही सब दिया गया है कि शुड हैव लॉन्च्ड इमरजेंसी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, कोस्ट गार्ड शिप्स शुड हैव टेकन अलॉन्ग विद अ फिशरमैन फ्रॉम विलेजेस एज नेविगेशन असिस्टेंट, बट ये सब चीज़ें नहीं हुई हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला है कि ये जो इतने प्लान्स आपने बनाए हुए हैं कि नेशनल नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2009, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2016, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ये सब किस लिए है अगर डिजास्टर के टाइम पे ये काम ही नहीं आती तो, ठीक है। तो यहाँ पे मेजर पॉइंट बस यही है। उसके बाद ये बोला गया मैसिव लॉसेस टू द लाइवलीहुड्स ऑफ पीपल लिविंग इन द कोस्ट ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स बनाना रबर कोकोनट एंड फॉरेस्ट्री। तो अब जो इनका क्रॉप लॉस जो उनका इनका हुआ है, कम से कम गवर्नमेंट इसको जो है कंपनसेट करे, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन अच्छे से हो इनका, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट टेक द ह्यूज बर्डन ऑफ प्रोवाइडिंग अ डिसेंट कंपनसेशन टू द विक्टिम ऑफ द साइक्लोन। तो इसमें जो है सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों मतलब एक तरह से कंबाइंड एफर्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें बोली गई हैं। सेंट्रल रिलीफ कमिश्नर शुड इमिडिएटली विजिट द डिस्ट्रिक्ट, मेक असेसमेंट एंड अवार्ड रीजनेबल कंपनसेशन इमिडिएटली। तो ये सब चीज़ें इसमें बोली गई हैं। जैसे इसका इसकी ये वाली लाइन है, मोर लाइव्स ऑफ फिशर फोक वुड हैव बीन सेव्ड इफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्शन प्लान्स वर इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। तो ये जो है पूरा समराइज करता है इस आर्टिकल को। आगे देखते हैं रीडिफाइनिंग हेट स्पीच। तो यहाँ पे जो है हेट स्पीच चैलेंजेस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये देखा गया है कि हमेशा हेट स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बीच में जो है एक बहुत ही फाइन लाइन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने लॉ कमीशन से पूछा रिकमेंडेशंस के लिए, टू आर्म द इलेक्शन कमीशंस विद लॉज टू कॉम्बैट हेट स्पीच इररिस्पेक्टिव ऑफ वेन एवर दे आर मेड, ठीक है। तो यहाँ पे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 267th रिपोर्ट में जो है इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं, ठीक है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयर मैन जो हैं वो हैं बी एस चौहान यानी बलबीर सिंह चौहान, ठीक है। तो वो चेयरमैन हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के, 21st लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो उसके बाद इन्होंने बोला है कि रिकमेंडेड इंसर्टिंग टू प्रोविजन, इन्होंने बोला कि आईपीसी में आपको दो प्रोविजन जो है इंसर्ट करने चाहिए, प्रपोज किया है इन्होंने इंसर्टिंग टू न्यू प्रोविजन्स इन द आईपीसी। तो एक है सेक्शन 153C और दूसरा है सेक्शन 505A, ठीक है। तो 153C कहता है कि प्रोहिबिटिंग
इंसाइटमेंट टू हेट्रेड, प्रोहिबिटिंग इंसाइटमेंट टू हेट्रेड, एंड सेक्शन 505 ए कहता है कॉजिंग फियर अलार्म और प्रोवोकेशन ऑफ वायलेंस इन सर्टेन केसेस, ठीक, एंड मेक नेसेसरी चेंजेस इन सीआरपीसी। तो ये चीज़ें लॉ कमीशन ने रेकमेंड करी है ये दोनों सेक्शंस को ऐड करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो हेट स्पीच की डेफिनेशन दी है, डिफाइंस हेट स्पीच एज एन इंसाइटमेंट टू हेट्रेड प्राइमरली अगेंस्ट अ ग्रुप पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन डिफाइंड इन टर्म ऑफ रेस, एथनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजियस बिलीफ एंड द लाइक। यानी कि किसी भी ग्रुप के लिए जो है हेट्रेड एक क्रिएट करना लोगों में, ठीक है। तो जो ऐसी स्पीच जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए इन बेसिस पे किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए जो है लोगों में जनता में जो है एक हेट्रेड की भावना पैदा करें तो दैट इज़ हेट स्पीच। हेट स्पीच इज़ एनी वर्ड रिटन, स्पोकन, साइंस, विजिबल रिप्रेजेंटेशन विद इन द हियरिंग और साइट ऑफ अ पर्सन विद द इंटेंशन टू कॉज फियर अलार्म और इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिस इज बिकॉज द फाइन लाइन बिटवीन वॉट कॉन्स्टिट्यूट हेट स्पीच एंड कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इन्होंने ये बात बोली है कि ये जो फाइन लाइन है इनके बीच में ये वैरी करती है कंट्री टू कंट्री, ठीक है। ये यूएस में अलग है, ये यूके में अलग है, तो हर कंट्री का अपने अपने हिसाब से वैरी करती है, ठीक है। द कमीशन रेफर्स हेट स्पीच एज एन एक्सप्रेशन लाइकली टू कॉज डिस्ट्रेस, ऑफेंस और इंसाइट हॉस्टिलिटी टुवर्ड अ पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो पनिशमेंट है सेक्शन 153C के अंडर वो है 2 years की इम्प्रिजनमेंट प्लस 5,000 रुपीज का फाइन और बोथ, ठीक है। और यहाँ पे है 1 year की पनिशमेंट प्लस रुपीज 5,000 का फाइन और बोथ, ठीक है। तो यहाँ पे 153C किस लिए था, प्रोहिबिटिंग इंसाइटमेंट टू हेट्रेड, और 505A किस लिए था, कॉजिंग फियर अलार्म और प्रोवोकेशन ऑफ वायलेंस इन सर्टेन केसेस। तो ये चीजें जो है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने रेकमेंड करी हैं। अब इसके बाद कुछ चीज़ें देखो, हमेशा हर फ्राइडे को जो है हर फ्राइडे को यहाँ पे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की कोई ना कोई रिपोर्ट आती है। तो अब लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक नॉन स्टैट्यूटरी एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक। इसको यूनियन गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूट करती है, और अभी जो है 21st लॉ कमीशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट करी है सितंबर 2015 में, ठीक है। ये थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है क्योंकि ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल हर फ्राइडे को आता ही है। तो 21st लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है सितंबर 2015 में गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट करी है, और इसका जो इसका ड्यूरेशन है वो है 31st अगस्त 2018 तक, ठीक है। तो ये जो है रिकमेंडेशन देती है बेसिकली आईपीसी को रिव्यू करती है, ठीक है, रिव्यू करती है, रिकमेंडेशंस देती है, और उसके बाद जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उससे रिलेटेड रिकमेंडेशन देती है, प्लस यहाँ पे बेल लॉ, ठीक है। तो तीन चीज़ें हैं जिसमें ये अपना रिकमेंडेशन देती है, एक तो आईपीसी को रिव्यू करना, फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और यहाँ पे बेल लॉ इन ऑर्डर टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द प्रोसीडिंग ऑफ ग्रांटिंग रिलीफ, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों के लिए इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। इसके बाद जो फर्स्ट कमीशन बनी थी वो थी 1955 में, ठीक है। उसके बाद हर 3 साल के बाद जो है एक लॉ कमीशन बनाई जाती है। तो जैसे देखो अभी सितंबर 2015 में बनी थी और अब नेक्स्ट बनेगी 2018 में। तो इसको इसको जो हेड करते हैं वो हैं इसको जो हेड करते हैं वो या तो होते हैं फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या फिर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। इसको जो हेड करते हैं वो होते हैं फॉर्मर
चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। तो जैसे यहाँ पे देखो, जो अभी बी एस चौहान जो इसको ऐड कर रहे हैं, तो वो है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। और इसमें बाकी तो लास्ट जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया थी, उसको उसके चेयरपर्सन थे एपी शाह, ठीक है। और इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, फोर मेंबर्स होते हैं, ये फुल फुल मेंबर्स होते हैं। इन्हीं फोर मेंबर्स में मेंबर सेक्रेटरी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे थ्री सेक्रेटरीज होते हैं, फोर यहाँ पे फाइव पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, पार्ट टाइम मेंबर। तो ये सब लोग जो है कॉम्पोजिशन में आते हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के। चेयरपर्सन, फिर फोर मेंबर्स, ये दोनों फुल टाइम होते हैं, बाकी मेंबर सेक्रेटरी, और यहाँ पे थ्री सेक्रेटरीज प्लस फाइव पार्ट टाइम मेंबर्स, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, इस डेटा पॉइंट को, गन डाउन। तो इसमें फायर आर्म से जो लोग मारे गए हैं 2016 में, नियरली 90% वर किल्ड इन फोर स्टेट्स, तो यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लोग इन स्टेट्स में मारे गए हैं। देन मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर। देखो, जम्मू कश्मीर भी जो है इन चार स्टेट से एक लोअर पोजीशन पे है, ठीक है। पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, ये डेटा एनसीआरबी का है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और हरियाणा टॉप फोर स्टेट्स। कंट्री वाइज देखें तो इंडिया की जो रैंक है वो है 151, ठीक है। उसके बाद 11,004 पीपल किल्ड फ्रॉम फायर आर्म्स इन यूएस इन 2016। तो ये थे आज के एडिटोरियल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।